घाटमपुर क्षेत्र में कार्यरत समर्पण महिला उत्थान समिति ने अनाथ बच्चों का सहारा बनकर एक बेमिसाल पेशकश पेश कर दी है। समर्पण महिला उत्थान समिति के सदस्यों ने अनाथ बच्चों के आश्रय स्थल पहुंचकर बच्चों को पहनने के लिए कपड़े, खाने पीने का सामान और पढ़ाई के लिए पुस्तकें देते हुए बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर खाने पीने का जिम्मा लिया और बच्चों के रहने के लिए घर और आर्थिक सहायता दिलाने का भी आश्वासन दिया। समर्पण महिला उत्थान समिति की अध्यक्ष ने बताया कि भदरस गांव में एक गरीब परिवार निवास करता था, जिस परिवार में महिला और उसके चार छोटे छोटे बच्चे रहते थे। महिला का पति किसी कारणवश हमीरपुर जेल में सजा काट रहा है। बच्चे अनाथ हो गए हैं, इनको सरकार द्वारा माँ बाप का प्यार मिले और समाज में उस तरीके की जैसे सब बच्चे जीते हैं उनको पूरा हक दिया जाए और जो भी शादी से पहले या इनके चाचा पीते जो भी हैं इनके हक नहीं दे रहे हैं, सरकार इनका हक दिलाए और इनको छत्र छाया दे जिनसे ये महफूज रह सकें। कार्यक्रम ये उद्देश्य है कि ये बच्चे जो इनके माँ बाप नहीं हैं और इनको बहुत लोगों की आवश्यकता है, इनके सहयोग की आवश्यकता है क्योंकि ये बहुत दिक्कत में है। मोहल्ले वाले व संस्था की महिलाएं अभी तक इनकी मदद करती रही हैं, तो कुछ मैं चाहती हूँ कि सरकार द्वारा भी इनकी मदद की जाए ताकि बच्चों को आगे आसानी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।